नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। फफूंद थाने में गुरुवार को क्षेत्राधिकारी अजीत मल कमलेश नारायण पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि विगत 29 अगस्त को दौलतपुर निवासी भाजपा नेता की दीपक तिवारी को गांव के ही राव सहाव यादव व सत्येंद्र उर्फ कल्लू अवस्थी ने जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसका मुकदमा फफूंद थाने में धारा 307 व 3/25 में पंजीकृत था। रात्रि 1:35 पर मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक अरविंद तर्रार द्वारा उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो दिल्ली से आने वाली डबल टेकर बस से उतरकर अपने गांव दौलतपुर जाने की फिराक में था, जिसमें फफूंद थाना अध्यक्ष राजेश सिंह ने बुधवार को अश्लदा चौराहे से सत्येंद्र उर्फ कल्लू अवस्थी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक तमंचा व 2 कारतूस बरामद कर जेल भेज दिया गया। जिला संवाददाता विमल कुमार पांडे के साथ कैमरामैन मोहम्मद शाहिल। दिनांक 29 तारीख को लगभग 9 बजे के लगभग ये आपसी वाद विवाद हो रहा था, उसी दौरान थोड़ी बहुत मारपीट भी हुई, ईंट पत्थर भी चले। 1 घंटे बाद ये मामला शांत हो गया। लगभग 1 घंटे बाद दीपक तिवारी वहाँ से टावर की तरफ गया था, एक बाबू साहब हैं उनके यहाँ मोबाइल चार्ज करने के लिए, और उधर दूध भी लेता था। वहाँ से लौट रहा था तो ये कल्लू अवस्थी जी और एक हैं कौन साहब, राव साहब और कुछ अज्ञात लोग भी थे, इन लोगों ने गोली मार दी। मौके पर तत्काल पुलिस पहुँची और पहुंचने के बाद जो वैधानिक कार्रवाई है दबी सारी पूरी तत्परता से दिया। कल जो है 2-3 को हमारे SI अरविंद तरहार द्वारा श्रीमान पुलिस महोदय दिया के निर्देशन में, अपर पुलिस महोदय के निर्देशन में ये पूरी टीम बनाई गई, जगह जगह दबिशें दी गई, जिसमें के लिए जा रहा था ये डबल डेकर बस से जा रहा था, दिल्ली भागने के फिराक में था। इसको हमारी टीम ने दबोच लिया। इसके पास से 315 बोल का कट्टा तथा 2 कारतूस बरामद हुए हैं। तमाम छोटी मोटी कार्रवाई की जा रही है, इसके बाद वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए। हाँ, इसके पास है 3/10 SC ST एक्ट पंजीकृत पहले से था और शेष संबंधित थानों से पता किया जा रहा है कि इसके ऊपर और कितने मुकदमे हैं। पहले से ये जो है, हाँ, साथी किस्म का है, तभी ने गोली चलाया है। इसके इसके ऊपर 5,000 का इनाम भी घोषित हुआ है इसके ऊपर तथा इसके साथी के ऊपर। बहुत ही साथी किस्म के हैं,